गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स छठी क्लास की सोशल साइंस विषय में आज हम अपना पांचवा अध्याय कर रहे हैं। एक बार पहले भी मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। हमारा अध्याय क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, हमारे देश में इस व्यवस्था को क्यों लागू किया गया है, किस प्रकार से ये लागू की जाती है, ये सब मैंने आपको समझाया था। आज हम, जैसा कि आपके इस पाठ में बताया गया है, एक ग्राम पंचायत के बारे में। ये ग्राम पंचायत हरदास गांव की ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत की बैठक में, जैसे जो ग्राम सभा के निवासी कौन होते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, जो गांव के वैश्यक नागरिक होते हैं, और सामने जैसे पंच बैठे हैं, पंच और सरपंच, जिनका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो ये अपने गांव की मुख्य समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने, सरपंच और पंच ने, गांव में सड़क की मरम्मत की समस्या पर विचार किया। गांव की गलियों, तो सरपंच का क्या कार्य होता है, ग्राम पंचायत का कार्य, गांव की जो गलियां होती हैं उनको पक्का करवाना, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करना, गांव में गलियों में बिजली की व्यवस्था करना, गांव में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि बनवाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना आदि जो कार्य ग्राम पंचायत करती हैं। तो यहां पर भी गांव की गलियों को पक्का करके सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने के कार्य पर विचार किया जा रहा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए बाद अन्य मुख्य समस्या कौन सी है हरदास गांव के लोगों की, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या। औरतों को 3-3 किलोमीटर दूर चल के जैसे नदी से पीने का पानी लाना पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम सभा का ही एक सदस्य है अनवर, जो एक बहुत अच्छा सुझाव देता है। अनवर यहाँ महाराष्ट्र में अपनाई गई जल संरक्षण पद्धति के बारे में बताता है। जल संरक्षण पद्धति वाटरशेड, जिसे वाटरशेड कहा जाता है, जिसके द्वारा पानी का संरक्षण किया जाता है। तो हरदास गांव का ये अनवर नामक व्यक्ति बताता है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में नालों के द्वारा पानी लाया जाता है, नालों के किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं और छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, नालों पर छोटे छोटे बांध, जैसे जिसे चेक ड्रैम कहते हैं, बांध बनाकर पानी की व्यवस्था की जाती है। तो अनवर का ये सुझाव सबको अच्छा लगता है और इस सुझाव पर विचार किया जाता है। तो इस पर कार्य करने के लिए अगली पंचायत में इस सुझाव पर सभी लोगों को अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद ग्राम सभा में अगला मुद्दा क्या था, अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची तैयार करना। वे लोग जो बीपीएल श्रेणी में सूची में आते हैं, उनकी लिस्ट सूची तैयार करना। तो उन लोगों के नाम वहां पर सुनाए जाते हैं दर्ज किए हुए, जिनको बीपीएल के लिए जिनके नाम दर्ज किए जाते हैं उनके नामों को पढ़ा जाता है। तो लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि इस सूची में ऐसे दो व्यक्तियों के नाम हैं जो गरीब नहीं हैं। पहला कौन है, नटवर, जिसके घर में टेलीविजन है, उसके बेटे के पास मोटरसाइकिल है, ये गरीबी रेखा में कैसे हो सकता है, ये तो अमीर है। तो सभी लोग इस पर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। दूसरा नाम आता है बिरजू का, बिरजू भी गरीब नहीं है, उसके पास भी अच्छी खासी जमीन है। तो इस प्रकार से गांव के जो लोग हैं ये इस पर हैरान हो जाते हैं। और गांव का एक गरीब मजदूर जिसका नाम ओम प्रकाश है, जिसके पास जमीन भी नहीं है, जो बहुत गरीब है, उसका नाम इस सूची में नहीं होता है, ये देखकर भी हैरान है। तो लोग देखते हैं कि ये जो लिस्ट है ये गलत है,
इसमें लिस्ट बनाने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम अमीर चंद है। अमीर चंद के दो दोस्त नटवर और बिरजू, ये दो दोस्त हैं। इसने अपने दोस्तों का नाम इस सूची में डलवा दिया है। और जो गरीब व्यक्ति है अमीर, जो कौन है, ओम प्रकाश, उसका नाम निकलवा दिया है। तो इस भेदभावपूर्ण सूची पर लोगों में आपस में कानाफूसी होती है, लेकिन बच्चों खड़े होकर ये शिकायत करने का साहस कोई नहीं कर पाता। तो ऐसा बच्चों वास्तव में ऐसा अक्सर होता है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा, लेकिन आवाज उठाने में, कानूनी तौर पर हम जैसे आवाज उठाने में झिझकते हैं, भय होता है कि कहीं जो ऊपर अफसर है या अधिकारी है वो हमसे नाराज होकर हमारी और सुविधाएं, हमारे और अधिकार भी हमसे न छीन ले। तो इसी भय के कारण कोई भी ग्राम सभा का निवासी खड़े होकर ये बात कहने के साहस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर एक सरोज नामक जो ये युवती है, ये दूसरे जैसे जो व्यक्ति साथ में बैठा हुआ है उसको कहती है, सरोज कहती है कि ये सब गलत हो रहा है। परंतु वह सूरजमल से कहती है, परंतु सूरजमल जो है ये सब कहने का साहस नहीं कर पाता। और अंत में सरोज ही खड़ी होकर जो ये भेदभाव पूर्ण सूची है इस पर अपने राय देती है कि ये गलत है। ओम प्रकाश जो कि गरीब है उसका नाम इस सूची में क्यों नहीं है, नटूर और बिरजू का नाम क्यों है। अंत में सरपंच ये जांच करने का आदेश देता है कि इसमें ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है, और ओम प्रकाश की जो पारिवारिक आय है उसको भी जांच करने के आदेश देता है। तो बच्चों इस गांव के माध्यम से हमें क्या समझाया गया है, हमें ये समझाया गया है कि जो अधिकारियों के द्वारा, सरपंच के द्वारा या अन्य अधिकारियों के द्वारा जो ऐसे कार्य किए जाते हैं जो भेदभावपूर्ण होते हैं, हमें उन कार्यों पर आवाज उठानी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। यहाँ पर बच्चों आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर महाराष्ट्र के दो पंचों की है। ये दो पंच जिन्होंने बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं पंचायत में रहकर, और जिनको 2005 में सम्मानित भी किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हरदास गांव की ग्राम पंचायत में पीने के पानी की समस्या पर विचार होता है, ग्राम पंचायत पर विचार होता है। और अगली जो पंचायत की अगली बैठक होती है जिसमें पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी के पास जाती है, BDO के पास जाती है। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था ना कि पंचायत के कितने स्तर होते, यहाँ पर जैसे कॉपी में नोट भी करवाया था कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय प्रणाली होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हरदास गांव में भी जैसे पंचायत समिति के पास बाद में अपने पीने के पानी की समस्या को लेकर जाया जाता है। तो ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा स्तर है विकास खंड, मतलब पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है, ये कई गांव की पंचायतों के ऊपर होती है। पंचायत समिति के ऊपर क्या होती है, जिला परिषद, जिला परिषद जो कि तीसरा स्तर होता है। और ये योजनाएं, विकास स्तर की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों को अपने गांव के विकास के लिए धन राशि आवंटित करती है, उनको देती है। बच्चों यहाँ पर जैसे आप एक तस्वीर ये देख रहे हैं जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए गांव वालों के द्वारा एक तालाब की खुदाई का कार्य किया जा रहा है। ये बंजर भूमि है, पथरीली भूमि है, इनको हटाकर यहाँ पर तालाब बनाने का कार्य किया जा रहा है। और आगे इसी जगह का चित्र आप देखिए,
बाद में ये जो भूमि दिखाई दे रही पथरीली, देखो ये तालाब बना दिया है और इस पानी की नमी से ही जो ऊपर बंजर भूमि है ये भी हरी भरी हो गई है। तो ये सब कार्य पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। तो इस पाठ में हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना है, ठीक है।